गाजरावाड़ी स्थित आए हुए सुएज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट की भी स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने अचानक से मुलाकात लेते हुए ढेरों असुविधा और कई क्षति को पाया गया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कचेरी के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल द्वारा आज गाजरावाड़ी सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की अचानक से मुलाकात लेते हुए यहां पर मलिन जल ट्रीट किए बिना ही छोड़ा जा रहा है वैसी गंभीर क्षति को पाया गया। कैपेसिटी से अधिक मात्रा में पानी आने के बीच एसटीपी प्लांट का एक्सपेंशन भी करने की जरूरत आते हुए कई ढेरों असुविधाओं को पाया गया। वडोदरा शहर में लगभग हर एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ट्रीट किए बिना ही छोड़ा जा रहा है वैसे कई आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में स्थायी समिति के चेयरमैन ने इस प्रकार की मुलाकात लेते हुए यहां पर कई क्षतियों को पाया गया। गाजावाड़ी सुएज ट्रीटमेंट प्लांट स्लॉटर हाउस तथा रामनाथ शमशान की मुलाकात अंतर्गत कैपेसिटी से अधिक मलिन जल यहां पर छोड़ा जा रहा है। एसटीपी की कैपेसिटी 66 MLD की है जबकि फिलहाल 72 MLD मलिन जल प्लांट में आने के बीच कुछ जत्था ट्रीट किए बिना ही छोड़ा जा रहा है वैसी गंभीर क्षति को पाते हुए आने वाले दिनों में इसका नवीनीकरण कर पुनः कार्यरत किया जाएगा वैसी जानकारी स्थायी समिति चेयरमैन ने दी थी। वडोदरा शहर में मुख्य एसटीपी सुएज ट्रीटमेंट प्लांट एवा 10 जेटला छे बीजा नवीन कार्यरत थवानी दिशा में छे अने नवीन वर्क ऑर्डर पण आपेला छे अने साथे जे पण कामगीरी चाली रही छे एमा हाल में वर्षो पहला बनेला 66 MLD ट्रीटमेंट प्लांट जे गाजरावाड़ी मुकामे आवेलो छे अने त्यांथी पानी ट्रीट करीने जे रूपारेल कास छे ए तरफ एने छोड़वामां अने एनी साथे जे रूपारेल कासनुं पानी छे एने स्टेग्नंट न रहता आगळ पानीने वहेतुं राखवानी वातमां गई काले एक विजिट करी हती जेमा गाजरावाड़ी स्थित एसटीपी में पहला तो त्या व्यवस्थित कामगिरी चाले छे के नहीं साथे पानी जे होय छे एनु लेबोरेटरी टेस्टिंग रेग्युलर थाय छे के नहीं स्टाफ रेग्युलर वर्किंग करे छे के नहीं अने त्या जे 66 MLD छे एनाथी वधु का तो जे प्रकारनी त्या स्थिति छे एनी अवलोकन कर्युं हतुं। एमां वरसाद अने ચોમાસાના ઋતુમાં આપણે જોયું છે કે એક્સેસ પાણી આવતું હોય છે અને એના કારણે 5-6 MLD વધુ ત્યાં પ્રાપ્ત થતું હતું અને એના આધારે આ કામગીરીને કઈ રીતે આગળ કરી શકાય એમાં કઈ રીતે પૂર્તા કરી શકાય એ વિષય ઉપર અધિકારી સાથે ચર્ચા પણ કરી છે અને આવનાર સમયમાં એનું રિઝલ્ટ આપીશું।